सदियों से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के सिर को ईसाई धर्म में सबसे अधिक मांग वाले अवशेषों की सूची में उच्च स्थान दिया गया है। यूहन्ना को, जो प्रभु यीशु मसीह के लिए रास्ता तैयार करने के लिए आए थे, नया नियम का पहला संत के रूप में मानते हैं। कुछ लोगों के ये मानना है कि यूहन्ना को सिर्फ प्रभु यीशु मसीह की बपतिस्मा के लिए भेजा गया था। नया नियम के चारों सुसमाचारों और यहूदी इतिहासकार जोसेफस के खाते के अनुसार जॉन द बैप्टिस्ट को प्रभु यीशु मसीह के मौत से पहले ही एक स्थानीय शासक के आदेश पर मार दिया गया था। उस घटना सुसमाचार में इस प्रकार लिखा गया है, हेरोदेस ने अपने भाई फिलिप्पुस की पत्नी हेरोदियास के कारण यूहन्ना को पकड़कर बांधा और जेल खाने में डाल दिया था, क्योंकि यूहन्ना ने उससे कहा था कि इसको रखना तेरे लिए उचित नहीं है। इसलिए वह उसे मार डालना चाहता था, पर लोगों से डरता था क्योंकि वे उसे भविष्यद्वक्ता मानते थे। पर जब हेरोदेस का जन्मदिन आया तो हेरोदियास की बेटी ने उत्सव में नाच दिखाकर हेरोदेस को खुश किया। इस पर उसने शपथ खाकर वचन दिया, जो कुछ तू मांगोगी मैं तुझे दूंगा। वह अपनी माता के उसकाने से बोली, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला का सिर थाल में यही मुझे मंगवा दे। राजा दुखी हुआ, पर अपनी शपथ के और साथ बैठने वालों के कारण आज्ञा दी कि दे दिया जाए, और उसने जेल खाने में लोगों को भेजकर यूहन्ना का सिर कटवा दिया और उसका सिर थाल में लाया गया और लड़की को दिया गया, जिसे वह अपनी माँ के पास ले गई। तब यूहन्ना के चेले आए और उसके शव को ले जाकर गाड़ दिया। इतिहासकार जोसेफस ने यह उल्लेख नहीं किया है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को कहाँ पर दफनाया गया था, और ना ही बाइबल ने, लेकिन 4वीं शताब्दी से यूहन्ना का दफन स्थान पारंपरिक रूप से सेबास्टिया यानी समरिया में माना जाता था, जो आज फिलिस्तीन में है। लेकिन यूहन्ना का सिर का क्या हुआ? यह एक ऐसा प्रश्न है जिसने सदियों से खोजकर्ताओं को परेशान किया है, क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में तरह तरह की परंपराएं मिलती हैं। उसमें से एक परंपरा के अनुसार संत यूहन्ना के सिर को सीरिया के दमिश्क में गाड़ा गया है, और वहां पर जॉन द बैप्टिस्ट के नाम पर एक क्रिश्चियन चर्च भी स्थापित है, और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के सिर के रूप में पहचानी गई एक खोपड़ी रोम में सैन सिल्वेस्ट्रो में प्रदर्शित है। 2010 में बल्गेरिया के पुरातत्व विद्वानों ने घोषणा की कि उन्हें बल्गेरिया की दक्षिणी तट पर कई हड्डियों का एक अवशेष मिला था, साथ ही साथ एक छोटा सा पत्थर के बॉक्स भी, जिसमें यूनानी भाषा में उल्लेख था कि परमेश्वर अपना दास को बचाओ। रेडियो कार्बन डेटिंग और जेनेटिक टेस्टिंग के द्वारा उन हड्डियों का पहली शताब्दी की कोई व्यक्ति का होने का संकेत प्राप्त हुई, मगर वे इस बात को पूर्ण रूप से पुष्टि नहीं कर पाई कि वह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का ही है।